ओल्ड ब्रिज कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किए गए ओल्ड ब्रिज म्यूचुअल फंड ने इक्विटी के अपने पहले न्यू फंड ऑफर ओल्ड ब्रिज फोकस इक्विटी फंड में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम को पेश करने के साथ ही भारत के उतार चढ़ाव भरे म्यूचुअल फंड उद्योग में अपना कदम रखा है। इसी श्रृंखला में आयोजित पत्र परिषद में ओल्ड ब्रिज एसेट मैनेजमेंट के सीईओ केनेथ आंद्रांद्रे जानकारी साझा की है। इस पत्र परिषद के दौरान केनेथ आंद्रांद्रे ने कहा कि निवेशकों को सोच समझकर चुनी गई कंपनियों की विकास की संभावना में भाग लेने का एक अनूठा अवसर प्रदान करना इस ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम का उद्देश्य है। साथ ही वे इस पर बोले कि हम पूंजी में दीर्घकालिक वृद्धि की इच्छा रखने वाले निवेशकों के लिए अपना पहला इक्विटी फंड प्रस्तुत करने को लेकर रोमांचित है। ये कंपनी है जो 7 साल पुरानी है। हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और AIF मैनेज करते थे और एक एडवाइसरी भी है हमारे पास। एक करेंटली अबाउट $1 बिलियन ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। हम म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं विद अ न्यू लाइसेंस अंडर ओल्ड ब्रिज एसेट मैनेजमेंट फॉर विच आई एम द CIO। अंडर दिस वी आर लॉन्चिंग अ फोकस्ड इक्विटी फंड। The focused equity fund is a fund where we will have approximately 30 companies that we will invest in. हमारा जो past experience है, मैं 2003 से public equities manage कर रहा हूँ और 2003 से 2024 तक अब तक 3 कंपनियां हो चुकी है। थ्रू दिस एंटायर जर्नी वी आई स्पेशलाइज्ड विद मिड कैप्स और लार्जली द पोर्टफोलियो विल बी अ मिक्स ऑफ कैपिटलाइजेशन बट अ लॉट ऑफ कंपनीज विल बी मिड मार्केट्स और मिड कैप्स इन दैट पोर्टफोलियो। राष्ट्र में 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। हमारा नागपुर के निवेशकों से यही निवेदन रहेगा कि इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करें। ये जैसा कि हमारे अभी तक के निवेशक बताते हैं, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी है क्योंकि हमारा फोकस इस बात पे रहता है कि आने वाले समय में कौन से बिजनेसेस डिलीवर करेंगे, बजाय ये देखने कि आज की तारीख में कौन से बिजनेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस मामले में देखा जाए तो निवेशकों के लिए ये एक एडिशनल स्ट्रैटेजी हो सकती है उनके करंट पोर्टफोलियोस पे। इस फंड की रणनीति निवेश के हमारे सिद्धांत के अनुरूप है, जो अच्छे नेतृत्व और विकास की क्षमता से युक्त प्रारंभिक चक्र वाले व्यवसाय पर पूरा ध्यान देती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।